गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो जैसे कि आपको 15 अक्टूबर का जो इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ था आइल्स का, तो उसका कंप्लीट रिव्यू जो है उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो जो लिसनिंग की हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा छोटा सा, तो लिसनिंग का लेवल काफ़ी ईजी था, लिसनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। और जो वही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पार्ट में जो थे, वो ब्लैंक्स थी। फोर्थ सेक्शन में जो था हमारे पास ब्लैंक्स थी, और सेकंड और थर्ड सेक्शन जो था वो उसमें एमसीक्यू वगैरह थे। तो अगर हम राइटिंग की बात करें, तो राइटिंग में हमारे पास आया था बार ग्राफ। और राइटिंग टास्क टू की अगर हम बात करें, तो राइटिंग टास्क टू का जो टॉपिक था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो वाला टॉपिक आया था, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर भी बना रहा हूँ। तो ये वाला टॉपिक अभी हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि ये वाला टॉपिक आया है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि इसमें लिखा है एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स शुड स्पेंड अ पीरियड ऑफ लिविंग इन अनदर कंट्री टू लर्न इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ये वाला टॉपिक था कि स्टूडेंट्स को एज ए एजुकेशन उसको लेके, एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्री में जाना चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए और कल्चर सीखने के लिए। तो आप इसके साथ किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो बिल्कुल अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ऑफकोर्स हम इसके साथ डिसएग्री करेंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाने के लिए पहली बात तो हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के पास पैसा ही नहीं है तो वो दूसरी कंट्री में कैसे जाएंगे? दूसरी बात यह है कि दूसरी कंट्री में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे हमारी सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो वहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसके साथ अगर हम कम्प्लीटली डिसएग्री करते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, और वैसे पार्शियली भी कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हो तो आपको यही बताना है कि इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम दूसरे कल्चर सीखते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये था हमारा जो इवनिंग में आया था। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग के जो पैसेजेस थे वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि ये वाले पैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो दूसरे चैनल्स पे नहीं है। और दूसरे नंबर पे हम रोज लिसनिंग डाल रहे हैं, और आप देख सकते हो नई लिसनिंग आपको मिलेगी, आप लिसनिंग कर सकते हो। और रिव्यू वीडियोज़ हम डेली डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ हम राइटिंग के सेशन हैं हमारे, रीडिंग के हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपको रीडिंग का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग जो हैं वो ऑलरेडी हमने क्लास में करी हुई हैं, उसी में से आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये आपको रीडिंग के मैं बता रहा था, रीडिंग के ये वाले पैसेज आए थे। ओरिजिन ऑफ वेदर फॉरकास्ट, ये पहला पैसेज था। दूसरे पैसेज का नाम काफ़ी लंबा था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें याद नहीं है वो क्या था। और जो तीसरा पैसे था उसका नाम था ब्लाइंड टू चेंज। तो ये हमारे कल का रीडिंग का जो था वो आया था, और जो क्वेश्चन थे वो वही थे फर्स्ट पार्ट में जो था वो फर्स्ट पार्ट में आपके ट्रू फॉल्स के साथ आपको जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स आई थी। सेकंड में एमसीक्यू विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और तीसरे वाले में येस नो नॉट गिवन, और उसके साथ जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं वही क्वेश्चन थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।